इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में एक बहन ने सवाल किया है, शादी के बाद औरत पैरों में बिछिया पहनना क्यों जरूरी है? कोई औरत पैरों में बिछिया न पहने तो क्या गलत होगा? कोई अपशगुन होगा? जानने के लिए बने रहें वीडियो के आखिर तक। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दें, जिससे 3 घंटी आपके सामने आएगी। ऊपर ही ऊपर वाली घंटी को आप दबा दें ताकि नई वीडियो आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। प्यारे दोस्तों, हमारे मुस्लिम माशरे में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गैरों से हमारे माशरे में आ गई हैं, उसका इस्लाम से कुछ ताल्लुकात नहीं है। जब लड़की कुंवारी होती है तब वह नहीं पहनती, लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है तो बिछिया पहनना शुरू कर देती है। लेकिन जब वह नहीं पहनती है तो उसकी सास और घर की बुजुर्ग औरतें गलत समझती हैं। उनका कहना होता है अब कोई अपशगुन होगा, इसका इस्लाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो औरत पर डिपेंड करता है, चाहे तो पहने वरना न पहने। मैं उन पर बुजुर्ग औरतों से कहना चाहता हूँ कि हमारे इस्लाम में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि औरत बिछिया न पहने तो कोई गलत काम हो जाएगा। अच्छा या गलत करने वाला अल्लाह ताला है, जो करता है अल्लाह ही करता है। यह केवल रस्म बना दी गई है, अगर शोहर चाहे तो बहू पहने वरना न पहने। शादी के बाद मर्जी औरत की, चाहे पहन ले चाहे न पहने, इसमें कोई पीछे कोई लॉजिक औरतों का चलता ही नहीं। ये सब गलत और बुनियाद बातें हैं, इस्लाम में इसका कोई लेना नहीं है। मैं घर की बुजुर्ग औरतों से कहना चाहता हूँ, मेरी दादी नानी की उम्र की जो औरतें हैं, अगर आपकी बहू बिछिया नहीं पहनती तो कोई बात नहीं, इसमें कोई गलत नहीं होगा, इस्लाम में इसे न माने। इस तरह की गलतियां जो हमारे इस्लाम में औरतें करती हैं, ये हमारी नहीं बल्कि दूसरे धर्मों से ली गई रस्में हैं, इनसे बचें, इसमें न करने से कोई गुनाह भी नहीं होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें इन रस्मों को निभाने से बचाए। आमीन सुम्मान आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाकर आमीन जरूर लिखें, क्या पता किस भाई की जुमा से निकला आमीन अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाए और इसके साथ के तमाम मुसलमानों के गुनाहों को बख्श दे अल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन। सलाम अलैकुम।